आप जो देख रहे हैं ये नज़ारा छाद्वारी हनुमान जी ओरछा धाम का है। जो छाद्वारी हनुमान जी धाम बना है वहाँ पर 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है और अभी 35 पाठ होने के बाद माताएं बहनें पुरुष हलारी करते हुए, जिससे कोई खाली पेट ना रहे और बैठने में भी सुविधा रहे, उस प्रकार का हलवा, अंगूर, केला, आलू बंडा, थोड़ा सा हल्का आहार दिया जा रहा है जिससे खाली पेट भी ना रहे और बैठ सकें। और इस समय 35 पाठ हो चुके हैं, 3 शिफ्ट में 108 पाठ हो जाएंगे। लगभग 1100-1200 लोग पाठ में बैठे हुए हैं तो 1.25 लाख पाठ हो जाएंगे। और ये नज़ारा मार्केट संवाद पर आप घर बैठकर देख सकते हैं। हमारा सौभाग्य है कि 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ में हमें बैठने का मौका मिला, हम धन्य हो गए। कोई हमारे अच्छे कर्म होंगे या हमारे माँ बाप के अच्छे कर्म होंगे जो हमें ये सौभाग्य मिला कि हनुमान जी महाराज के 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ में बैठने का मौका मिला और पाठ करने का। प्रभु की जिस पर कृपा हो जाए, परमात्मा जिससे जो करा ले वही होता है। और आज आप देख रहे होंगे अभी 35 पाठ होने के बाद फलारी करते हुए सारे यजमान, इसके बाद 3 शिफ्टों में लगभग 108 पाठ हो जाएंगे। और 108 पाठ हो जाएंगे जब तो लगभग 1100-1200 लोग बैठे हैं तो 1.25 लाख पाठ हो जाएंगे हनुमान चालीसा के, जैसा कि अनुमान लगाया जाता है। अभी हमने जोड़ा नहीं है, एक अनुमानिक बता रहे हैं। आज जो हनुमान चालीसा पाठ में बैठे हैं 1.25 लाख पाठ में, बड़े सौभाग्यशाली हैं कि 1.25 लाख पाठ में उन्हें बैठने का मौका मिला हनुमान जी के 1.25 लाख हनुमान चालीसा में। और बब्बा का दरबार भव्य सजा हुआ है, उत्सव सा है, उत्सव क्यों ना हो। 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ जो चल रहा है उत्सव तो लगेगा। और जब खुद स्वयं बब्बा विराजमान हो यहाँ पर और उनका उत्सव चल रहा हो तो उनका रंग महल, तो उनका धाम तो सजना स्वाभाविक है। ये हम आपकी चाहत है बब्बा के प्रति, और बब्बा जिससे जो करा लें वही होता है। हम आप चाह के भी नहीं कर सकते, बब्बा को जिनसे अपना दरबार सजवाना होगा उनसे सजवा लिया, जिससे जो काम लेना है ले लिया। ये उनकी कृपा है और गुरु की कृपा है। हमारे परम पूज महंत श्री त्रिलोकी रामदास जी इस गद्दी के महाराज हैं और उनके हजारों लाखों अनुयायी हैं, उनके शिष्य हैं। और एक सौभाग्य हमारा भी है कि हम उनके छोटे से अदना से उनके चरण सेवक शिष्य हैं। यह सौभाग्य हमें भी मिला कि हम उनके शिष्य बन पाए, ये असीम कृपा है हनुमान जी महाराज की।
गुरु परमात्मा का स्वरूप होते हैं और गुरु के अंदर परमात्मा वास करते हैं, और जब हमें परमात्मा स्वरूप गुरु मिले हैं तो हमारा जीवन धन है, हमें और क्या चाहिए। परमात्मा की शरण मिली, बच्चे, मकान, लक्ष्मी जैसी पत्नी, सब कुछ मिला है हमें, और हमें क्या चाहिए। बस उनकी शरण चाहिए थी तो उनकी शरण भी मिल चुकी है। उनकी शरण हर किसी को नहीं मिलती, और हमारा सौभाग्य है कि हमें उनकी शरण मिली, उनके चरणों की रज लेने का हमें मौका मिला, और हमें परमात्मा जैसे इस चौकट पर गुरु मिले। और स्वयं कलयुग के देवता बब्बा विराजमान हैं, जो स्वयं प्रभु शंकर भोले के अवतारी हैं, कलयुग के पालनहार हैं। अगर हमें इस चौकट पर रज लगाने का मौका मिला तो इससे बड़ा भाग हमारा क्या हो सकता है। इससे बड़ा कोई भाग नहीं हो सकता। सब कुछ दिया था प्रभु ने, भजन करने पर बचा था तो उन्होंने अपने चरणों में हमें बांध लिया, और भगवान का नाम लेने का मौका मिला बाबा के जरिए। धन लोग है यहाँ के जो गुरु हैं, हम नाम नहीं लेते थे, आज पहली बार हम अपने गुरु का नाम ले रहे हैं। परम पूज मान श्री त्रिलोकी रामदास जी, हकीकत है परमात्मा ने हमें बड़ा सौभाग्य दिया, बड़ा हमारे अंदर आत्मा में विराजमान हुए, जो हमें परमात्मा स्वरूप गुरु की गुरु दीक्षा मिली। और जब नेक आत्मा का गुरु होता है तो हमेशा परमात्मा साथ देता है, परमात्मा वास करता है। पूर्ण आत्मा जहाँ होती है वहाँ परमात्मा वास हमेशा करता है। ये जे पूर्ण आत्माओं का फल होगा, जो इस धाम से इतने लोग जुड़े हैं, इतने शिष्य जुड़े हैं, सीताराम गुरु जी, आज इस पावन धरती पर जो उत्सव हो रहा है हनुमान जी महाराज का, 1,25,000 पाठ हो रहे हैं, ये बड़ा सौभाग्य है धरती और लोग सौभाग्य है के एक पुण्यात्मा जैसे गुरु मिले हैं, जिनके अंदर परमात्मा वास करते हैं। अपने भक्तों के लिए उत्सव में अपना आशीर्वाद दें तो अच्छा लगेगा। अच्छा क्या लगेगा, गुरु का आशीर्वाद हमेशा मिलना ही चाहिए। आज हम सबका बड़ा सौभाग्य है, चारद्वारी आश्रम ओरछा धाम पर सब लोग मिलकर के, भक्तजन एक साथ मिलकर के श्री हनुमान चालीसा का 1,25,000 पाठ करने का संकल्प लिए हैं, प्रतिज्ञा किए हैं। निश्चित रूप से हमें तो बड़ा भरोसा है, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, राम रूप स्वाति जलद चातक तुलसीदास। अगर किसी को राम जी की प्राप्ति करना है तो हनुमान जी की ही शरण में जाना पड़ेगा, यह पूर्ण निश्चित है, हमने शुभ अनुभव किया है। और हनुमान जी को जो प्रसन्न कर लेता है, राम जी सहजता में ही कृपा कर दिया करते हैं। कलयुग में जन्म लेकर के यदि हमने अपने सनातन धर्म को नहीं बढ़ाया
सनातन धर्म को नहीं जाना, अपनी भक्ति को नहीं जाना, अपने परमात्मा को नहीं जाना, तो मनुष्य जीवन लेने से लाभ ही क्या है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि अपने राम जी को, अपने इष्ट को, अपने भगवान को हम सबको जानना है, और उसके जानने के लिए राम द्वारे तुम रखवारे होत नाज्ञा बिन पैठारे। जब तक हम हनुमान जी की शरण नहीं लेंगे तब तक हम राम जी की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सभी भक्तों से जितने यहाँ हैं या जो मीडिया के माध्यम से श्रवण कर रहे हों, उनसे हम निवेदन करेंगे कि वो हनुमान जी की शरण पकड़ें, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। यदि हनुमान चालीसा की पुस्तक उसकी पॉकेट में होगी, उसकी जेब में होगी, तो हम विश्वास के साथ इस बात को कह सकते हैं कि उसकी सदैव रक्षा रहेगी। इसलिए हनुमान चालीसा का अवश्य पाठ करें। इसी कारण से, इसी उद्देश्य से हमने देखा, अभी हमको 24 तारीख को अटैक आया था, लेकिन जब हमारा ऑपरेशन चल रहा था, बाईस पास सर्जरी बोलते ना, तो ऑपरेशन चल रहा था, डॉक्टर दोनों पति पत्नी दोनों डॉक्टर है, दोनों लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारा एक गुरु जी स्वस्थ हो जाए। जिनका इतना बड़ा नर्सिंग होम है, जिनके यहाँ हजारों मरीज स्वस्थ हुआ करते हैं, वही डॉक्टर हमारे लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। हनुमान चालीसा का पाठ उन्होंने लगभग सवा दो घंटे किया है। इसलिए हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसकी पूर्ण रक्षा होगी। जय श्री सीताराम। आपने इतना सोचा ना होगा कि आज इतने जजमान आ जाएंगे, कल्पना से ज्यादा आ गए हैं। जब उन्होंने सुना कि गुरु के यहाँ हनुमान जी महाराज के धाम में 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ हो रहा है, तो जिनने सुना वो चल दिया, क्योंकि ये आस्था है हनुमान जी के प्रति, चौखट के प्रति। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, ओरछा धाम, चार द्वारी।